की वेबशाला। मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 92। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दे रखा है। हमें दे रखे कुछ कलर्ड पार्ट्स है और कुछ नहीं कलर्ड नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, टोटल काउंट करना पड़ता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, टोटल पार्ट्स, तो 10 आएगा डिनोमिनेटर में। ऊपर कितने हैं, तो कलर्ड पार्ट्स कितने हैं, 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा ऊपर 3। रीड कैसे करेंगे, 3/10, कैसे रीड करेंगे, 3/10। नेक्स्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 12। तो डिनोमिनेटर में हम लोगों क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। कलर्ड पार्ट्स कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 6/12। क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, 6/12। ठीक है, नेक्स्ट रिमेनिंग बी सी डी जो है आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। ठीक है, होमवर्क में करना है बुक में। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लॉक्सेस टू राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जब हम ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखते हैं, जैसे 5/8 है, इन्होंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा है, तो 3 और 8, तो 5 3 जा कितना होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 15। और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 15/24। सिमिलरली 8/18 दे रखा है, उसको 2 से डिवाइड करना है, तो अब यहाँ पे 2 की टेबल बोलना है। 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 4 बार, तो 4 और 2 की टेबल में 18 कितनी बार आता है, 9 बार, तो 4/9, फ्रैक्शन क्या हो गया, 4/9। बी और डी आपको होमवर्क में करना है, बुक में ही, किस में करना है, बुक में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd पे हम लोग जाते हैं। 3rd पे दे रखा है फाइंड फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। पहले नंबर क्या दे दिया है, 1/3, क्या दे दिया है नंबर, 1/3, तो 1/3 को पहले हमें सेम नंबर से दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, सो ऑन करते जाना है जितने पूछेंगे। यहाँ पे 3 बोला है, तो पहले 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 2 जा 2 और 3 2 जा 6, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट इक्विवेलेंट नंबर 1/3 का। नेक्स्ट है 1/3 को फिर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, तो 1 3 जा 3 और 3 3 जा 9। नेक्स्ट है 1/4 को, 1/3 को पहले 4 से अब मल्टीप्लाई करना है, तो 4 और 3 को 4 से 12, तो 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से हो गए, 2/6, 3/9 और 4/12। आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर है उसको पहले 2 से सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से, फिर 4 से, एंड सो ऑन। नेक्स्ट नंबर एक और हम देख लेते हैं, 23/60 जो है, 23 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करा, जब ऊपर 2 से करा तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 23 2 जा 46 और 60 2 जा 120, तो पहला फ्रैक्शन हो गया 46/120, दूसरा 23 × 3, तो ये हो जाएगा 69 और 60 × 3 180। ठीक है, तो दूसरा हो गया आपका 69/180। थर्ड है आपका 23 × 4 और 60 × 4, तो 23 × 4 कितना होता है, 92 और 60 × 4 = 240, तो तीसरा कौन सा हो गया, 92/240। ठीक है, इस वे में आपके जो रिमेनिंग है ए बी सी डी ई होमवर्क में आपको कॉपी में करना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 5/8 विद न्यूमरेटर 25। आपको न्यूमरेटर में 25 चाहिए और फ्रैक्शन दे दिया 5/8, आपको एज इट इज 5/8 लिखना है, इज इक्वल टू लगा के आपको न्यूमरेटर में 25 चाहिए, तो न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, ऊपर 25 लिख दो। 5 की टेबल में क्या मल्टी, 5 की टेबल में कितनी बार क्या मल्टीप्लाई करके 25 आ जाए, तो 5 5 जा 25 होता है, तो यहाँ पे इनटू लगाएंगे, 5 लिखेंगे, जब ऊपर हमने 5 से मल्टीप्लाई करा है तो नीचे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 × 5 ये हो जाएगा 5 5 जा 25, न्यूमरेटर में 25 आ गया, और सिमिलरली नीचे वाले नंबर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 5 जा 40, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, 25/40। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी जो रिमेनिंग है आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमें उसमें क्या करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। हमें दो नंबर फ्रैक्शंस दे दिए और उसको चेक करना है वो इक्विवेलेंट है कि नहीं।
कैसे करना है, 2/5 है और 8/20 है, आप इधर लिखो 2/5 और 8/20, कुछ नहीं करना है, ये वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 × 20 करो तो आंसर कितना आया 40, और सिमिलरली नीचे वाले नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 8 कितना हो गया 40, जब दोनों साइड इक्वल हो जाती है, ये नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे और ये नंबर को इस नंबर से, तो हमें नीचे लिखना है सिंस 2 × 20 = 5 × 8, बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, फिर क्या है, ये दोनों फ्रैक्शंस क्या है, इक्विवेलेंट है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फ्रैक्शन दे दिया 3/5 और 6/9, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है 9 को और 5 को 6 है, तो 3 × 9 = 18 होता है और 5 × 6 = 30 होता है, ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, सिंस 3 × 9 और इज इक्वल टू लगा के क्रॉस करना है, मतलब नॉट इक्वल जो 5 × 6, द फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट, ये फ्रैक्शन कैसे इक्विवेलेंट नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, सर्कल द फ्रैक्शन विच इज नॉट द इक्विवेलेंट टू द अदर, ठीक है, नंबर दे दिया 1/7, 2/7, 3/21 और 6/42, आपको उस नंबर पे सर्कल लगाना है जो इक्विवेलेंट नहीं है, 1/7 है, 2/7 को क्या ये कम हो सकता है क्या, 2 या 17 कोई रिड्यूस हो सकते हैं, नहीं, 3 और 21 हो सकते हैं, जब मैं 3 को 3 से डिवाइड करती हूँ और 21 को भी 3 से, दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करती हूँ तो आंसर कितना आ रहा है 1/7 आ रहा है, मतलब जब 3 और 21 क्या हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो 3 को 3 से डिवाइड करो और 21 को 3 से, तो फ्रैक्शन क्या आ रहा है 1/7, तो नीचे 1/7 लिख दिया। सिमिलरली इधर आ रहा है 6/42, तो 6/42 ये दोनों भी किससे डिवाइड हो रहे हैं, 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो फ्रैक्शन आ रहा है 1/7, बस 2/17 है जो किसी से क्या नहीं हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो सारे फ्रैक्शन कैसे बन गए 1/7, 2/17, 1/7 और 1/7, तो जो रिड्यूस नहीं हुआ है 2/17, तो ये आपका क्या हो गया, ये जो फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। इसके साथ रिमेनिंग बी सी डी आपको सर्कल करना है कॉपी में, ठीक है, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 पूरी कंप्लीट होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।